हेलो गाइस, वेलकम टू द मैंगिंग क्लास। ओके, आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ आपने क्लासेस से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि वी ऑर्गेनाइज हेयर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना। यू कैन गिव विदाउट एनी हेजिटेशंस, और आप लोग उस टेस्ट सीरीज को घर पे बैठ के दे सकते हो। इट्स अ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एक टाइमर भी है आपके पास में। आपको 10 क्वेश्चन है तो 20 मिनट्स मिलेंगे करने के लिए, और आपके पास 20 क्वेश्चन है तो आपको 40 मिनट मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको 2 मिनट मिलेगा, ठीक है। और आप लोग घर बैठ के इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। मैं इसको आपके बारे में बता दूं कि इन टेस्ट सीरीज का आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, और आप लोग उसको जाके जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में वो जैसे ही आपका टेस्ट खुलेगा और आप जैसे ही सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यू विल गेट अ ब्लू कलर बटन बिलो टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट नेम इज द सबमिट। और जैसे आप उसको सबमिट करेंगे, अगेन आपका एक ब्लू बटन आपके सामने आएगा जिसका रहेगा व्यू स्कोर। जैसे आप उस व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक स्कोर खुल के आएगा, जो आपने अभी परफॉर्म किया है उसका रिजल्ट होगा वो। और जो भी आपका क्वेश्चन गलत है, अगर आप उसका सॉल्यूशन पता करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका आपको आंसर बता दीजिए, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। और आप लोग इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा, इट्स जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जरूर लगाइएगा आप लोग। आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा लगा के, और आप लोग बड़े बड़े एमसीक्यू लगाएंगे, फिर 500, 600 या 700 यानी 1000 तक एमसीक्यू आप एक दिन में लगाने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और आप लोग जरूर लगाइएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है आज का, वो आगे है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट हमारा काम है आपको स्टडी प्रोवाइड करना, एंड वी आर प्रोवाइडिंग। थैंक यू वेरी मच। गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग क्लासेस। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऑनलाइन टेस्ट, जो कि क्लास 12 के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। इट्स अ बेसिक टेस्ट, जो बच्चा अभी कम पढ़ रहा है और बिल्कुल अभी उसने स्टार्ट किया वो भी इसको लगा सकता है, ठीक है। इसमें कुछ इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपकी नॉलेज को बताएंगे कि आप कितना जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, बेसिक कितना आप लोग जानते हैं। तो आप जरूर लगाइएगा टेस्ट अगर आप क्लास 12th में है, और इस टेस्ट को लगाने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा बड़े बड़े टेस्ट को लगाने का, ठीक है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट की तरफ। और जब आप इस टेस्ट को लगा लीजिएगा तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा टेस्ट, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ओके, स्टूडेंट्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारा टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट के अंदर आपको 15 MCQ होंगे और टाइमर आपको ऊपर चलेगा, ठीक है। और 15 MCQ आपको 30 मिनट के अंदर लगाने पड़ेंगे, 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका स्कोर आपको दिखाई देगा, हाउ मेनी परसेंटेज यू गेन फ्रॉम दिस टेस्ट। तो हम लोग इसको लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे कितने गलत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कर दिया हमने स्टार्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, वो कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड गैस इज, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस इज, तो कह रहा है कि जो गैस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट हो ऐसा कोई एक सॉल्यूशन बताइए, गैस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट हो। तो हमें आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, आप लोग अपना क्वेश्चन लगाइए इनमें से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि गैस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होती है वो हमारे बेसिकली हमने कहते हैं अपनी भाषा में कि वायु में यानी कि हवा में यानी कि एयर में नमी आज बहुत है ना। तो हवा गैस है, ठीक है, और उसके अंदर नमी प्रेजेंट है वो लिक्विड है, सही है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं, एल्कोहल इन वाटर, तो मैं आपको बता दूं एल्कोहल, सॉरी मैंने ये लगा दिया है एल्कोहल, गलती से लगा दिया, ये भी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एल्कोहल इन वाटर तो नहीं होगा। अगर हम बात करें एल्कोहल इन वाटर की, तो हम आपको बता दें कि दोनों की दोनों फॉर्म लिक्विड में होंगी, एल्कोहल भी लिक्विड में होता है और वाटर भी हमारा लिक्विड में होता है। ड्राई एयर की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर केवल हमारा गैस होगा, लिक्विड तो हमारे यहाँ पर होगा ही नहीं। मरकरी इन गोल्ड की बात करें तो दोनों हमारा, मरकरी हमारा लिक्विड में होता है बट गोल्ड हमारा सॉलिड में होता है, ठीक है। और मॉइस्ट अगर एयर की बात करें तो बिल्कुल ये ठीक है, मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, एयर में नमी होना, ठीक है ना, वायु में नमी होना, एयर में नमी होना, यानी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर हमारा वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन रिलेट्स द, ठीक है, जो मोलेलिटी होती है वो मोलेलिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो कैसा रिलेट करती है, ठीक है। तो हम सब चेक कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं मोलेलिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमरेटर में रखी रहती है और एक हमारी जो है वो डिनोमिनेटर में रखी रहती है, ठीक है।
न्यूमरेटर में बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहते हैं और हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर कभी कभी सॉल्वेंट कभी कभी सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होता है। तो हम लोग बात करेंगे केवल मोलैलिटी की यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ। पहला कह रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कह रहा है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मे बी, देखते हैं अगला। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम तो होगा ही नहीं ऊपर, ठीक है ना, तो अगला भी वॉल्यूम कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ऊपर होगा ही नहीं, पहले बात करेंगे हम लोग मोल्स की, ठीक है। तो डी ऑप्शन में देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ, बट मैं आपको बता दूं न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सेइंग दैट दिस लॉ शोज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसा कोई रिलेशन बताइए जिसमें प्रेशर और सॉल्युबिलिटी की बात हो रही हो। तो मैं आपको बता दूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी इन हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ हमको क्या बताता है, हेनरी लॉ हमको बताता है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। और रेड लॉ हमने पढ़ा ही नहीं है इस बारे में इस चैप्टर में, ली चैटरजी प्रिंसिपल ये हमने इसमें भी नहीं पढ़ा है। और आपको बता दूं रॉल्स लॉ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने के लिए होता है और उनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए होता है, पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल पढ़ने के लिए होता है, तो वो हमारा इससे रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम देखें अगले क्वेश्चन को तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर आइडियल सॉल्यूशन द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर्स कंपोनेंट टू द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज। तो मैं आपको बता दूं आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो चीजें होती हैं, आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो चीजें कौन कौन सी होती है हमारे पास, एक तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम, दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस को आपने दो या दो से अधिक सब्सटेंस में उसको तोड़ दिया, डिसोसिएट कर दिया, ठीक है। अब उसमें जो तोड़ने के लिए रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए थी वो आपकी मान लीजिए 10 है, और टूट के जो वो बी और सी में टूटा, ठीक है ना, वो हमारा 5-5 एनर्जी को रिलीज कर देंगे। तो अगर हम देखें चेंज इन एंथैल्पी तो 10 माइनस इधर 5 + 5 कितना हो गया 10, तो 10 - 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी डेल एच जो होगा हमारा 0, यानी कि हमारा फोर आइडियल सॉल्यूशन जो हमारी एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम रहता है वो हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डेल एच की वैल्यू भी हमारी 0 के बराबर होनी चाहिए और डेल बी की वैल्यू भी हमारे पास 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बोला कि जैसे मैंने ए को तोड़ा बी में और सी में, तो ए को तोड़ने के लिए मेरे को 10 मान लीजिए 10 यूनिट की एनर्जी हमको खर्च हुई, और टूटने के बाद बी और सी जो एनर्जी रिलीज किया वो 5-5 रिलीज किया, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया 10, और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा आपका, तो वो हमारा क्या हो जाएगा फोर आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं जिनकी चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम क्या होते हैं, शुड बी इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फॉर आइडियल सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज, मैंने आपको बताया ना। अब फिर से आइडियल सॉल्यूशन की बात करेगा, मैंने दो कंडीशन आपको बताई डेल वी और डेल एच, तो आपके दोनों क्या होने चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0, तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो मैं आपको बता दूं मोलरिटी के बारे में सबको पता होगा, कोई खास चीज नहीं है। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी बेसिकली जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, दो चीजें होती है मोलरिटी के फॉर्मूले में, दो चीजें आपको मिलेंगी, एक तो आपको न्यूमरेटर मिलेगा, एक आपको डिनोमिनेटर मिलेगा, ठीक है। मोलरिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में मैंने आपको बताया हमेशा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और नीचे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन हो सकता है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक कह रहा है, डिसोल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला किलोग्राम इन द सॉल्वेंट का है वो मोलरिटी से रिलेटेड होता है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेटी की, यानी कि मोलरिटी की। तो मैं आपको बता दूं मोलरिटी में ऊपर सॉल्यूट होता है और नीचे आपका जो होगा हमारे पास सॉल्वेंट होगा, बट उसका जो नीचे मास होगा वो किलोग्राम में ना होके उसका वॉल्यूम लीटर में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट गलत हो जाएगा, मोल्स होता है ऊपर, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारे पास मोलरिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे जो होता है वो हमारा पर लीटर सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, यानी कि हम लोग 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करने जा रहे हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आपको इससे मोलरिटी की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट राउल्स लॉ स्टेट द स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज ओके इज
तो इसका क्या होगा देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन क्या क्या है क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का जो प्रेशर रहता है, पार्शियल प्रेशर पीपी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, अगर हम सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल्स बढ़ाएंगे, ठीक है ना, यानी कि मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमको उतना ही ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा। जैसे आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से आपका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल्स बढ़ाने पर प्रेशर का घटना तो बिल्कुल तय नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर, ये गलत है आपका। वॉल्यूम बढ़ाने पर मोल्स, मैंने आपका बोला मोल्स, ठीक है, वॉल्यूम अगर आप एक का बढ़ा देंगे तो उससे प्रेशर में बिल्कुल चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, इन्वर्सली होता है, ठीक है, टेम्परेचर से इसका रिलेशन इन्वर्सली होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाले हैं तो आपका डेफिनेटली ये है कि पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली में होता है। तो हमारे पास जो सबसे बढ़िया आंसर हमको देखने में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अपने, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्ट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक इज फॉर्मड बाय द सॉल्यूशन विद सो, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी एजोट्रॉपिक मिक्सर, ठीक है, उससे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने वहां पर भी ये चीज बता रखी है आपको। देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सर जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सर वो मिक्सर्स होते हैं जिनमें वेपर फेस और वेपर फेस किसी भी सॉल्यूट का लिक्विड फेस और वेपर फेस दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, और या फिर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का लिक्विड फेस और वेपर फेस जो होंगे वो हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, उनके मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी आपके पास एक सॉल्यूट है उसका एक मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेस का, एक मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस का, दोनों अगर बराबर हो गए तो वो आपका क्या हो जाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और एक बात बता दूं मैं आपको, जिनका वेपर फेस लिक्विड फेस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का बराबर हो जाता है उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमेशा उन लोगों का होता है जिनके जिनका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में और लिक्विड फेस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, सेम कंडीशन एज फॉलोज टू द सॉल्वेंट। ओके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक के बारे में अगर बात करें तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमा, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग की अगर हम बात करें तो मिनिमम बॉइलिंग में हम लोग पॉजिटिव डेविएशन को पढ़ते हैं और मैक्सिमा में हम लोग मिनिमम डेविएशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ और लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट, दो ऑप्शन मेरे को सेम मिल रहे हैं यहाँ पर, बट मेरी कोशिश ये रहेगी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जितना होगा वो उतना ही हाई पॉजिटिव डेविएशन हमारा रहेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लार्ज पॉजिटिव, जितना ज्यादा आपको मिल सके, ठीक है। तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी चार होती है, सॉरी फॉर द अगेन इंटरप्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी जो होती है वो चार, सॉरी अगले क्वेश्चन पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चार होती है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली हमारी जो होती है वो हमारे पास होती है आरएलबीपी, और आरएलबीपी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज अ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। अगला जो हमारा उसका प्रॉपर्टी होता है कॉलिगेटिव का दैट इज कॉल्ड ईवीपी, ईवीपी, ईवीपी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक हमारे पास होता है एफबीपी, सॉरी डीएफपी, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो लास्ट हमारी रहती है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर रहती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस मैं आपको बता दूं, हीट ऑफ द वेपराइजेशन में नहीं था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द राइट आंसर, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलिगेटिव, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। कह रहा है कि क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो मैं आपको उसका डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। क्रायोस्कोपिक जो कॉन्स्टेंट होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिफाइंड है, ये एलिवेशन के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इतना जो मैंने आपको अभी तक बताया उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाते हैं, क्योंकि तो ये दोनों ईबीपी के लिए दे रखे हैं, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों हमारे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। क्रायोस्कोपिक जो कॉन्स्टेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्वेंट है, एक हमारे पास बीकर है, और उस बीकर में हमने एक सॉल्वेंट ले रखा है, मैं लिख देता हूँ ये हमारा सॉल्वेंट है इसमें, और हमने इसमें अमाउंट ले रखा है 1 kg, कितना ले रखा है 1 kg अमाउंट ले रखा है, ठीक है। तो 1 kg सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट मिलाने जा रहे हो, ठीक है, क्या मिलाने जा रहे हो, सॉल्यूट, और आप 1 mole ऑफ सॉल्यूट मिलाने की कोशिश करते हो, कितना, 1 mole, ठीक है। जैसे ही आप 1 kg सॉल्वेंट में आप 1 mole सॉल्यूट बढ़ाओगे, ठीक है, तो
उसका मतलब ये हुआ कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट में, उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिक्रीज कंडीशंस पैदा होने लगेंगी। ठीक है, तो जो हमारा डेफिनेशन होगा वो ये होगा, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए लिक्विड वो होते हैं जब हमारे किसी भी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते आगे, कह रहा है टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड। अगर हमारे पास टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक, दो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है और दोनों में एक ज्यादा है एक कम है। ठीक है, दोनों में हमारा एक ज्यादा है और एक हमारा कम है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास मान लीजिए दो प्रेशर है, हमारे पास पाई वन और पाई टू। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू, पाई वन की वैल्यू अगर ज्यादा है पाई टू से तो क्या होगा, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उनको हम लोग बोलते हैं हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, आज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑफ ए सॉल्यूशन इज, तो कह रहा है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई बराबर सीआरटी। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर इज गिवन, आर इज द कॉन्स्टेंट गैस कॉन्स्टेंट, तो बचा हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो है आप देख सकते हो दोनों आमने सामने है बिल्कुल। ठीक है ना, तो पाई इक्वल टू सी, दैट मीन्स पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, और मैं जैसा देख पा रहा हूँ ऑप्शन ए यही बात कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर में वगैरह है ना, तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, डी नो नो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी कह रहा है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो थे ही नहीं ना उसमें, तो आपका सीधा सीधा है ना, सी अकेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, तो मैं आपको बता चुका हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है एक सॉल्यूशन में। ठीक है, एक इसमें हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, एक हमारा इसमें क्या है सॉल्वेंट है। ठीक है ना, और मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है ना, मैंने आपको सॉल्यूट को ए ले रखा है, सॉल्वेंट को मैंने क्या ले रखा है, बी ले रखा है। ठीक है, तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो ए सॉल्यूट था हमारा उसका जो मोल फ्रैक्शन था, दैट इज मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, तो ए का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो एक्स से हो जाएगा और बी का जो हो जाएगा वो एक्स भी हो जाएगा, और दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू आपकी 0.2 आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो एक्स बी की वैल्यू होगी वो 0.8 हो जानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आप 0.3 लेंगे तो एक्स बी की वैल्यू 0.7 हो जाएगी, आंसर आपका बन ही आना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब आप मिलाएंगे तो हमेशा 1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो आंसर इज बी। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट द रेट एट विच ए सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को डिजोल्व करने जा रहे हैं लिक्विड में तो किस पे हमारा डिपेंडेंट नहीं होंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको बता दूं कंसेंट्रेशन में बिल्कुल डिपेंड होंगे कि कितना आप ले रहे हो, है ना, कितना आपको मिलाना चाहिए। ठीक है, और प्रेशर की अगर हम बात करें, चलो प्रेशर की बात बाद में बताता हूँ, टेम्परेचर की बात करते हैं पहले। जो टेम्परेचर हमारा बिल्कुल मैटर करता है, ठीक है, कितना टेम्परेचर है, आप ज्यादा गर्म में मिला दोगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आए, और पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए आप कोई एक बड़ा पार्टिकल लेके आ रहे हो और बाकी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो मेन जो हमारा रहेगा वो हमारा प्रेशर रहेगा। ठीक है, प्रेशर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर पे इसलिए डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि आप उसको मिलाने जा रहे हो। ठीक है, तो आप उसको मिलाने जा रहे हो तो वहां पर प्रेशर अप्लाई होना ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना खुद ही डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा पहले। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो हमारा प्रेशर होगा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ये मैंने लगवा दिया है, देखते हैं सबमिट करके हमारा क्या रिजल्ट आता है। होप सो गुड रिजल्ट विल बी कम, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो अपना रिजल्ट आ चुका है, 13 क्वेश्चन हमारे ठीक थे, एक गलत हो गया है। ऐसा कैसे हो गया, एक गलत तो होगा ही नहीं हमारा, एक भी गलत नहीं था। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं हमारा रिजल्ट रहा है 93% अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्यूरेसी कितनी है हमारी, 93%। हम लोग रिव्यू करके देख लेते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा ठीक था, दूसरा भी ठीक है, ये भी सही है, इनकरेक्ट आ जा, ये वाला इनकरेक्ट है हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है, ये टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, पाई वन और पाई टू थे, द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड, ओके, हाइपोटोनिक और हाइपर,
ओ सॉरी, मैंने क्या इसमें क्या गलती हुई थी मुझसे कि मैंने जल्दी जल्दी में हाइपर टॉनिक की जगह पे हाइपोटॉनिक पे क्लिक कर दिया। देखने में थोड़ी मिसप्रिंटिंग, मतलब मिसप्रिंट तो नहीं है कहेंगे इसको, मेरे से ही गलती हो गई। मैंने इसका आंसर हाइपर टॉनिक ही होता है, HYPER, ठीक है। मैंने गलती से उसको हाइपोटॉनिक कर दिया जल्दी में, ठीक है। इट्स अ हाइपर टॉनिक, ओके, सॉरी फॉर दिस एरर। मैंने हाइपर टॉनिक ही इसका होता है, ठीक है। मैंने गलती से हाइपोटॉनिक लगा दिया, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। ओके, तो हमारे बिल्कुल ठीक थे सारे, हमारा 100% रिजल्ट है, ठीक है। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, हमारे पास दो थे, पाई वन और पाई टू। पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू, दैट मीन्स, और पाई टू इज ग्रेटर देन पाई वन, तो हमारा वो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, और आपको ये देखने के लिए, और आप और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। सारे ठीक थे हमारे, ये भी ठीक था, ये भी सही है, ये भी ग्रीन वाला मतलब है ठीक है आपका, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके ठीक थे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लगाते रहिए टेस्टों की, 500 1000 क्वेश्चन एक दिन में लगाइए, आप बढ़िया हो जाओगे एकदम, ठीक है।